यह तीन बातें छोड़ो, आपका टेंशन स्ट्रेस पूरा निकल जाएगा। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को टेंशन प्रेशर आता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कम्युनिकेशन में ठीक नहीं करते, मतलब कम्युनिकेशन उनका ठीक नहीं रहता है और उसका असर आपसी रिश्तों में आते रहता है। तो मैं आपको ऐसी तीन बातें बताऊंगा, यदि वो आप छोड़ देते हो तो आपके आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकोगे। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई कंट्रोल करना छोड़ दो या लोगों को सुधारना छोड़ दो। हम क्या करते हैं, लोगों को सुधारने के चक्कर में एक छन्नी और हथौड़ा लेके लोगों के पीछे चालू हो जाते हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं है, तेरे को इधर से ठीक कर, उधर से ठीक कर, तेरा ये बराबर नहीं, तेरा वो बराबर नहीं, तूने ऐसा करना चाहिए, तूने वैसा करना चाहिए, ऐसा मतलब जो लोग जैसे हैं वैसे हमको एक्सेप्टेड नहीं है, हमारे आसपास के, हमारे परिवार के, और हम उनकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, गलतियाँ निकाल के उनको बताते रहते कि ये तू ठीक करना चाहिए, वो ठीक करना चाहिए, ऐसा बोलते रहते, फिर किसको भी अच्छा लगता नहीं है। ये क्या होता है, एक प्रकार का कंट्रोल हो जाता है। देखो, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में ला सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। अपना विचार और अपनी कृति, इसके ऊपर ही अपना कंट्रोल रहता है। लोगों के विचार और लोगों के कृति के ऊपर हमारा कंट्रोल रह नहीं सकता। इसलिए आज से लोगों को बदलना छोड़ो, लोगों को कंट्रोल करना छोड़ो। लोगों के ऊपर ब्लेम करना, लोगों की गलतियां निकालना, लोगों को ठीक करना, तंदुरुस्त करना, सब छोड़ना पड़ेगा। छन्नी हथौड़ा लेके घूमना बंद करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, हमको ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू के लोग परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट कोई भी रहता नहीं। हमें परफेक्ट पत्नी चाहिए, हमें परफेक्ट पति चाहिए, परफेक्ट माँ चाहिए, परफेक्ट बेटा चाहिए, परफेक्ट भाई चाहिए, परफेक्ट बहन चाहिए, परफेक्ट नौकरी चाहिए, परफेक्ट गाड़ी चाहिए, परफेक्ट मकान चाहिए, और हमको परफेक्ट कभी मिलता नहीं है, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ रूम ऑन द टॉप, ऐसा बोला जाता है। मतलब कुछ भी उसके उससे कभी भी अच्छा हो सकता है, जो भी है उससे कभी भी अच्छा और मिल सकता है या हो सकता है, और हमको परफेक्ट कभी ऐसा मिल ही सकता नहीं है। और फिर परफेक्ट के पीछे लगते 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 हम कुछ भी करते नहीं, फिर टालते जाते हैं, नाखुश रहते हैं, लोगों को बोलते रहते कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम ये करो, तुम वो करो, और परफेक्ट की अपेक्षा करते करते फिर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आते रहता है। फिर कभी परफेक्ट नहीं है तो फिर मुझे परफेक्ट मकान चाहिए, मुझे परफेक्ट दुकान चाहिए, मुझे परफेक्ट नौकरी चाहिए, मुझे परफेक्ट बिजनेस चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वो परफेक्ट के पीछे लगते लगते आज मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। परफेक्ट का इंतज़ार करना, फिर आगे आगे ढकेलते जाना, काम आगे आगे ढकेलना। परफेक्ट नौकरी चाहिए, जो नौकरी मिल रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, परफेक्ट नौकरी के पीछे आज अनएम्प्लॉयड है। परफेक्ट पत्नी चाहिए तो फिर बहुत लड़कियां देख रहे हैं और लड़कियां देखते देखते परफेक्ट तो लड़की मिल नहीं रही है, तो शादी होने की बाकी है, शादी करना आगे आगे ढकेल रहे हैं। तो ऐसा हर काम में होते रहता है। जैसा मैं बताता हूँ, मुझे किताब लिखनी थी, मैं सोच रहा था कि मैं जिस दिन परफेक्ट किताब लिखूंगा उस दिन वो प्रिंट करूंगा, वो परफेक्ट के पीछे मेरी किताब ही ना कभी छपी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो छोड़ दिया कि भाई परफेक्ट कभी हो ही सकता नहीं, जो है वो परफेक्ट है। अभी मैं एक्सलेंट कर सकता हूँ, अभी मैं अत्युत्तम कर सकता हूँ, अति उच्च दर्जा का कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, और उसके आगे और भी हो सकता है। आज मैं अति बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट, मतलब जितना भी कर सकता हूँ वो अति एक्सलेंट कर सकता हूँ, अति अच्छा कर सकता हूँ। तो परफेक्ट के पीछे आज से दौड़ने का नहीं है। क्या होता है कि 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, करूंगा तो परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट के सिवाय कुछ नहीं करूंगा। और एक दूसरी बीमारी है, इसके वजह से आती है, वो है क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम मतलब कल करूंगा, कल करूंगा, आज परफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर कल परफेक्ट हो गया, हो जाएगा, फिर कल परफेक्ट करूंगा। तो ये है दूसरा जो आपको छोड़ना है। नंबर तीन का जो है कि हर काम में मौज मस्ती है तो ही करने का है, तो ऐसा नहीं होते रहता है। हर काम में मस्ती है, हर काम में आनंद है, वही काम करूंगा, बाकी काम नहीं करूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, काम जो आपका है वो पैशन का होना चाहिए, उसमें मौज आना चाहिए, मस्ती आना चाहिए, मज़ा करते करते काम करना चाहिए, मगर हर काम में मज़ा नहीं हो सकती ना। बहुत ऐसे काम है कि जो इम्पॉर्टेंट है मगर करना अच्छा लगता नहीं है, मगर करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है करना, बहुत ही जान पे आती है एक्सरसाइज करना, उसमें क्या मज़ा देखना है।
मगर उसमें मुझे मजा क्रिएट करनी होगी, मजा आती भी नहीं है तभी, तो फिर मजा करने लायक कुछ भी नहीं है, तो करना है मगर एक्सरसाइज करना है बिल्कुल। अब समझो पढ़ाई करना है, अब पढ़ाई करना है उसमें क्या मजा है, बिल्कुल मजा नहीं आता पढ़ाई करने में, तभी करना है क्योंकि वो जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, कि वो करने में हमें मज़ा आता नहीं है, तभी भी वो करनी ही पड़ती है और वो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने मेडिटेशन रोज़ करना ही चाहिए, ध्यान रोज़ करना ही चाहिए, एक्सरसाइज रोज़ करना ही चाहिए, मेरा मेडिकल चेकअप रोज़ करना चाहिए, पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए, जो भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो रोज़ करनी ही चाहिए। जो अच्छा है, जो मज़ा आता है, वो करना टालना पड़ेगा। जैसा टीवी देखने में बहुत मज़ा आता है, टालना पड़ेगा। फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर घंटों बिताना अच्छा लगता है, यूट्यूब के ऊपर बिताना अच्छा लगता है घंटों, टालना पड़ेगा। मतलब जो जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए वो टालना पड़ेगा, जो काम अच्छा लगता नहीं है वो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो ये तीन बातें आप टाल देंगे तो आपको कभी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जो बातें अच्छी लगती नहीं है वो बातें इम्पॉर्टेंट है, और जब इम्पॉर्टेंट बातें तो डेफिनेटली वो आप करेंगे तो आगे चल के प्रेशर आएगा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।